चलिए डीएसपी सर बता चुके हैं कि पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें, अब रहा ऑप्शनल के बारे में भी बता दिए हैं, अब इसके बाद बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे इन्होंने किया, आप कैसे करें, यदि फर्स्ट बार आपका एग्जाम निकल रहा है तो किस तरीका से तैयारी करें इंटरव्यू के लिए, सर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिए एग्जाम टू चैनल के व्यूअर को। देखिए इंटरव्यू की तैयारी कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने व्यक्तित्व में निखार और आपकी जो अपनी जो पर्सनालिटी है उसका टेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों में ना एक मायने होता है कि इंटरव्यू वो डर जाते हैं, और इसका जो सबसे पैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डरे बिल्कुल, वहाँ आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं ताकि नॉलेज का टेस्ट होगा, वहाँ पर पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। तो सबसे बेहतर है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाएं, अपने अंदर सकारात्मक चीज़ों को जोड़ें, और जिसकी चीज़ पर आपसे बोलने के लिए कहा जाए तो उसके बारे में आप सकारात्मक वहाँ अपना व्यू रखें। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने अब तक तीन इंटरव्यूज दिए, मेरा तीसरा इंटरव्यू था, अभी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो थर्ड इंटरव्यू था वो मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि उतना बेहतर नहीं था, हालाँकि मेरे थर्ड इंटरव्यू जैसे ही मेरे को मेम्बर मुझे पहचान चुके थे कि आपको पिछला इंटरव्यू में देख गया तो नहीं हुआ, मैंने बताया था कि मेरा कोई कुछ नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन कर दिया था। तो इस बार मेरा इंटरव्यू का बहुत अच्छा चेंज था, वो चूँकि मैंने नेट भी कर रखा है तो थोड़े से लेवल थोड़ा हाई हो गया क्वेश्चंस का, लेकिन वो उससे कोई ज़्यादा फर्क मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे मेरे सामने आए जिसको मुझे सॉरी बोलना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ सब तक रहने के साथ। तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अपने बैकग्राउंड को मजबूत रखें, जो आपका ऑप्शन स्पेस है उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी रखें, अगर आप उसे शुरू से ही अच्छे से पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा रहेगा। और इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि आप डरे बिल्कुल नहीं, अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखें, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा वहाँ वो प्रदर्शित होगा, और सकारात्मक बातों को आप वहाँ रखना रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बैठ करेंगे। कोई ऐसा प्रश्न जो आपसे पूछा गया आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं? जैसे मेरा इस बार का जो ऑप्शन था वो हिंदी था, तो हिंदी में जो लिखी है मेरा दीप्ति मैम के बोर्ड में पढ़ा था, तो दीप्ति मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है तो ये बताइए कि जो UPSC के सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर आपने कितनी कहानियाँ और कितनी पढ़ने उसको पढ़ा है। तो चूँकि एक तो पहली नज़र में तो ये हो जाता है कि आप सिलेबस अमूमन लड़के जो होते हैं तो सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, और आपसे अगर पूछा जा रहा हो कि आप सिलेबस के बाहर कितनी पढ़ाई की है, तो मेरे साथ एक सकारात्मक था कि मैंने UPSC का जो सिलेबस था उसको कवर किया था, तो मैंने वहाँ पर ये बता दिया कि एक बढ़िया समानांतर जो UPSC के सिलेबस में नहीं है राजेंद्र यादव द्वारा संपादित है उसको मैंने पढ़ा है, उसमें कहानी संग्रह है, उसके अलावा एक दो और उपन्यास है जो UPSC सिलेबस में नहीं है, जैसे कि महापुरुष मैंने अलग से पढ़ रखा था जो UPSC सिलेबस में नहीं था, चर्चा नहीं रहा, और ये आप जॉब करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं या जॉब छोड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे मोटिवेशन का बात यह है पवन सर के साथ कि इन्होंने जॉब को छोड़ दिया और कई साल तक एजुकेशन से दूर रहने के बाद भी DSP पोस्ट इन्होंने प्राप्त किया, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और मोटिवेट होकर अपने तैयारी को बूस्टअप करें। एक और इनसे मैं प्रश्न ये पूछूंगा कि आप जब डीमोटिवेट होते थे आपको लगता था कि अब लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा या किसी कारण से थोड़ा सा डीमोटिवेट होते थे तो आप अपने आप को पुनः ऊर्जावान्वित कैसे करते थे और मोटिवेट कैसे करते थे, थोड़ा सा एग्जाम्पल व्यूअर को बताइए। देखिए तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं सकारात्मक सोच हमेशा रखता था, डीमोटिवेशन तो क्या है आना है और जाना है, जब आप किसी परीक्षा के अंतिम रूप से चयनित नहीं होते हैं जैसे तो थोड़ी दिन में मैं काफ़ी दिन होते देखता हूँ, उसके बाद 64वीं में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 64वीं में फाइनल नहीं हो पाया तो थोड़ी दिन डिप्रेशन था, लेकिन मैंने इसे चीज़ों को सकारात्मक वे में देखा लिया है, और मैं जहाँ तक बताना चाहूँगा कि सकारात्मक जो एक लाइन है वो मेरे साथ रहा है, जैसे कि दिन भर का एक लाइन है कि चक्कर दर्द हो गया साथी मंजिल दूर नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो हमेशा अपने आप को इसमें खपाए रखिए बनाए रखिए, और अगर आप इसमें अपने आप को बनाए रखते हैं तो सफलता दूर नहीं है, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी।
पवन सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर की तरफ से। और एक बात इनसे पूछेंगे, अंत में कोई आप मैसेज देना चाहिएगा एग्जाम टूर व्यूअर को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चैनल पे आके बोलने का मौका दिया, और मैं अपने व्यूअर्स को जो आपके हमारे जो दोस्त हैं आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था, जब मैं उसको फिर से शुरू करके इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ तो आप भी इसको कर सकते हैं। और अपने अंदर ये सकारात्मक सोच बनाए रखें कि आपका सिलेक्शन होगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप डिमोटिवेट कभी भी ना हो और आप तैयारी में लगे रहें, आपको सफलता निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। 67वीं के लिए आप कुछ बोलिएगा अंत में। 67वीं चूँकि एग्जाम बहुत कम समय है, कोई लड़के देना चाह रहे हैं, बहुत लोग देंगे, मेरे व्यूअर भी बहुत देंगे, तो उनके लिए आप कोई हो उपाय तो थोड़ा सा कम समय में। देखिए, मैं अभी 67वीं के लिए ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें कई तरह के लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए मेरा सलाह होगा कि आप पूरी तरीके से फिटिंग नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा भी डाइवर्ट ना हो। अभी जो आपके पास 50 साल की उम्र चल रही है उसमें पूरी तरीके से आप फिटिंग पर फोकस करें, उसमें एक्सट्रीम पोर्शन, ज्योग्राफी पोर्शन, करेंट और साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। उसके अलावा कुछ ऐसे होंगे जो पहले से प्री निकाल रहे हैं लेकिन उनका मेंस अटक रहा होगा, तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप प्री पर थोड़ा कम ध्यान दें और साथ साथ आप ऑप्शनल पेपर को भी पढ़ते रहें। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे साथी होंगे इस बीच में जो मेंस तक पहुंच रहे होंगे, उनका फाइनल नहीं पड़ा होगा, तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप प्री पर बहुत कम ध्यान दें, आपका प्री पहले से तैयार है, मेंस पर भी आपको बहुत ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप करेंट को फोकस करें प्री के लिए और साथ साथ आप अपने ऑप्शनल और जो मेंस का चीज़ें से उसको थोड़ा थोड़ा देते रहें, लेकिन जब एग्जाम एकदम नज़दीक आ जाए 10 दिन आए तो आप सारे मेंस के सभी सब्जेक्ट को छोड़ दें और 10 दिन पूरी तरीके से फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी व्यूअर का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अगला जो मैं इंटरव्यू लेने जाऊँगा उसमें जरूर शामिल करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, एग्जाम टूर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे होगा क्या, जो भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत बहुत